श्री कृष्ण, कैसे हैं आप लोग? फुटफंडा में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए बच्चों के एग्ज़ाम से स्पेशल नाश्ते लेकर आई हूं, जो कि बच्चों के लिए एनर्जी से भरपूर हों और हमारे बच्चे चुस्त दुरुस्त होकर एग्ज़ाम दे सकें। और अभी उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, साथ ही विटामिन की, जो उन्हें शक्ति दे। इसके लिए मैं एकदम पावर बूस्टर एक नाश्ता लेकर आई हूँ, जो कि है तो बहुत आसान और हमारे आम घरों में बराबर वो खाए भी जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बच्चों के दिन की शुरुआत म्यूजली से करते हैं। अगर आपके बच्चों को म्यूजली पसंद है तो म्यूजली ज़रूर दें बच्चों को। इसके लिए मैंने 5 बड़े चम्मच म्यूजली लिए हैं। म्यूजली के साथ आप किसी भी तरह के फ्रूट को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को इस समय फ्रूट देना उनके न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। फ्रूट हो या फ्रूट जूस, और जनरली बच्चे ये दोनों चीज़ें खाना नहीं चाहते हैं, तो म्यूजली में ही हम आप उनको दोनों चीज़ें भी मिला के दे सकते हैं। मैंने म्यूजली को दूध और दही साथ ही फ्रूट के साथ परोसा है। अगर आपके बच्चों को दही पसंद नहीं हो तो आप इसे फ्रूट जूस के साथ सो करके ऊपर से फ्रूट डाल के और हनी डाल के दे सकते हैं। ये बहुत ही न्यूट्रिशस नाश्ता है और एग्ज़ाम के समय बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें किसी भी तरह का फैट नहीं है, बच्चों को नींद नहीं आएगी। दही भी मैंने डोंट मिल्क के लिए हैं। वैसे आप फुल क्रीम के भी दही ले सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चों को सबसे ज़्यादा शक्ति की भी ज़रूरत होती है, शारीरिक तो नहीं बल्कि मानसिक रूप से। बच्चे अभी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उनको मानसिक ताकत देने के लिए अच्छे अच्छे नाश्ते बहुत ज़रूरी हैं। और इसके लिए सबसे उपयुक्त है हमारे फ्रूट्स एंड नट्स। नट्स जो होते हैं वो बच्चों को बहुत ही पौष्टिकता प्रदान करते हैं, और मूसली में तो आप जानते ही हैं सभी प्रकार के नट्स मिलाए हुए रहते हैं। मैंने नट्स वाले मूसली लिए हैं, और अब मैं इसमें 2 केले को, मीडियम साइज़ के केले 2 थे जिन्हें मैंने छील के काट लिए हैं। इसके साथ आप अपने बच्चों के पसंद के कोई भी फ्रूट दे सकती हैं। आप एप्पल भी दे सकती हैं, एप्पल को भी छील लें, या फिर अगर आपके बच्चे स्किन के साथ खाना चाहते हैं तो विथ स्किन दें। अब देखिए, मैंने थोड़े से अनार के दाने डाले हैं और थोड़े से ही मैंने क्रैनबेरी भी छोटे छोटे काट के डाल दिए थे इसके साथ। और अब मैं इसमें चीनी के जगह पर हनी डालूँगी, क्योंकि हनी बहुत ही लाजवाब चीज़ होती है। यह एंटीबायोटिक होती है, इससे बच्चों को बहुत तरह के सर्दी खांसी इत्यादि से बचाया जाता है। और बच्चों को स्पेशली आप हनी दीजिए तो बच्चे कभी नहीं खाएंगे, इसलिए हनी एग्ज़ाम के समय हो या ऐसे भी बच्चों को 1 से 1.5 चम्मच ज़रूरी खाने या नाश्ता में उनके शामिल करके उन्हें दें। मैंने पहले भी बताया हनी में एंटीबायोटिक होता है, और जानते ही हैं नेचुरल एंटीबायोटिक कितनी फ़ायदेमंद है। बच्चों को सर्दी खांसी और बहुत तरह के बीमारी से बचाती है, और हमारे सारे फ्रूट्स भी वैसे ही होते हैं। तो इस तरह मैंने इस नाश्ते में फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स दोनों का कॉम्बिनेशन करने की कोशिश की है। है तो बहुत ही आसान नाश्ता, लेकिन आप अपने बच्चों को ज़रूर दें, खास करके अभी एग्जामिनेशन के समय में बच्चों को बहुत ही हाई न्यूट्रिशनल फूड की आवश्यकता होती है। इसमें मैंने ऊपर से हनी डाल दिया है। अगर आपके बच्चे थोड़े से और नट्स चाहते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा नट्स डाल दें। मैंने ऊपर से थोड़ा सा बादाम डाला है और थोड़े से और मूसली को ऊपर से डाल दिया है। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। प्लीज़ आप अपने बच्चों को बना कर जरूर दीजिए इस तरह के नाश्ते। सुबह सुबह अगर बच्चे इस तरह के नाश्ते करेंगे तो दिन भर उनमें एनर्जी रहेगी। दही तो आप जानते ही, दही प्रोबायोटिक होती है और पचने में दूध से भी ज़्यादा आसान होती है, इसलिए मैंने दूध की मात्रा इसमें कम डाली। दूध केवल मैंने थोड़ा सा म्यूजली को सॉक करने के लिए डाला था। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिया है। मैंने आलमंड डाले हैं, क्योंकि आलमंड्स बहुत ही दिमाग को ताजगी देते हैं, और साथ ही दिमाग याददाश्त भी आलमंड खाने से तेज़ होती है, इसलिए एग्जामिनेशन के समय बच्चों को आलमंड्स या तो आप उन्हें पानी में भिगो कर दें, या अगर बच्चे वैसे नहीं खाते हैं तो इस तरह किसी भी चीज़ में मिलाकर पतले पतले कतर के दें, आपके बच्चे मन से खाएंगे।
और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। देखिए मैंने आमंड्स को पतले पतले कतर के डाल दिए है, और अब मैं इस पर थोड़ा सा म्यूसली डाल दूँगी जो देखने में बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे और बच्चे मन से खा सकेंगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। छोटी सी है मगर बहुत काम की है, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और थम्स अप दबाइएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय। देखिए मेरी मूसली का फाइनल लुक कितना शानदार और कितना टेम्पटिंग है। बच्चे बहुत मन से खाएंगे और बहुत मन से पढ़ाई भी करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, मैं एग्ज़ाम के लिए नए नए रेसिपी लाऊंगी। बाय बाय।